pride. We sing the same national anthem that you do. Our Independence Day falls on 15th August. Nationalities section in our documents read Indian. We cheer for the Indian players during international sports. We light diyas in Diwali because it is our festival too. Every Indian belonging to North, South, West is welcome with open arms here. Yet, you don't consider us one of you. Are you from Nepal or China? Oh, look, chingi chow mein hakka noodle. Momos must be your favorite food, right? Your eyes are so narrow. Can you even see? Stay away, coronavirus. Ye corona bola hai na, corona momo tour bola hai hum log ko. Ye achhi sab the. तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है हाँ तुम्हारे माँ बहन नहीं है तुम्हारे घर में हाँ तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ को भी ऐसे बोल दो तुम। एक तरफ जहां देश कोरोना के खिलाफ एकजुट हो रहा है, वहीं इसी दौरान कुछ लोग इस बीमारी के चलते पूर्वोत्तर के लोगों को कोरोना से जोड़कर निशाना बना रहे हैं। देश के कई इलाकों से ऐसी वीडियो सामने आ रही है जहां पूर्वोत्तर के लोग नस्ल भेदी टिप्पणियों, भेदभाव और छुआछूत का शिकार हुए हैं। ऐसी कई घटनाओं को सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है और लोग इसके खिलाफ खड़े भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा शर्मनाक मामला सामने आया राजधानी दिल्ली के विजयनगर इलाके से, जहां मणिपुर राज्य की एक महिला को एक व्यक्ति ने कोरोना कहकर चिढ़ाया और बाद में उस पर थूक कर भाग गया। इसके बाद इस 20 वर्षीय महिला ने पुलिस में कंप्लेंट दाखिल करी, जिसके बाद जांच जारी है। घटना के सामने आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी निंदा की और पुलिस से दोषी को पकड़ने की मांग की। पर दिल्ली ही नहीं, अन्य राज्यों से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। इंडियन आइडल जीत चुके चैंग ने बताया कि कैसे मुंबई में दो बाइक सवारों ने उन्हें कोरोना वायरस कहा और भाग गए। इंडियन आइडल कंटेस्टेंट चैंग ने बताया कि कैसे मुंबई में दो बाइक सवारों ने उन्हें कोरोना वायरस कहा और भाग गए। गुजरात में पूर्वोत्तर की कुछ लड़कियों को मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो उन्हें कोरोना का मरीज मान रहा था। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने आकर लड़कियों को हिम्मत दी, इस तरह भेदभाव करके उनसे मकान खाली नहीं करवाया जा सकता और पुलिस उनके साथ है। आप हमारे देश के नागरिक हो, आपका जिम्मेदारी हमारा काम है, आपको किसी से भी डरने की, किसी से भी घबराने की इतनी भी जरूरत नहीं है। हम आप एक फोन करेंगे, अभी मैं अपना पुलिस भी तो छोड़ के जाता हूँ, ठीक है, कि पुलिस भी जहाँ आपकी सेफ्टी में रहेगा और कुछ भी जरूरत हो मैं अपना मोबाइल नंबर, अपने स्टाफ का मोबाइल नंबर, पूरा लिस्ट आपको दे देता हूँ, आपको कॉल करना, दो मिनट में हमारा गाड़ी आ जाएगा, आपको इधर ही रहना है, आपको कहीं पर भी जाना नहीं है। कोलकाता में भी पूर्वोत्तर के लोगों को निशाना बनाया गया। Why are you hiding your face? मैं छुपाने नहीं दूंगी आपको फेस। और उनसे घर खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके जवाब में अब कई पूर्वोत्तर के लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बता रहे हैं कि इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एकजुट हो रही है, उस समय उनसे भेदभाव दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, हालांकि ये सब चीजें दुख पहुंचाती हैं, पर देश में उनके विश्वास को डिगा नहीं सकती है। पूर्वोत्तर के लोगों के साथ हुए इस भेदभाव पर सख्ती दिखाते हुए अब गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाए और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।